Santé. C'est ma connaisseur. Vas-y. On arrive. À part sur le directeur. ये है जॉन, मिस्टर जॉन पालिंग मेरा फ्रेंड है। हम लोग बहुत साल बाद मिल रहे हैं। हाय एवरीवन, ये मेरा फ्रेंड है, बहुत साल बाद मिला है। और यहाँ का जो मेगा डांस है उसका कोरियोग्राफर है, तो बहुत फेमस हस्ती है हम लोग अरुणाचल का। और आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, इसको पता नहीं, हम बहुत प्राउड है। थैंक यू, थैंक यू। ये मेन रिचुअल साइट, यहाँ पे पूजा ये सब करके उसके बाद मिथुन का सेक्रीफाइस होता है, इस तरह दिखता है। बहुत ही इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड वाला ये सब डिजाइन है, इसको खास हर कोई नहीं बना सकता है। यहाँ पे मिथुन का सेक्रीफाइस होगा, तो हम लोग का जो ट्राइबल कस्टम्स है उसमें जितना भी फेस्टिवल्स होता है उसमें मिथुन एक बहुत सेक्रेड एनिमल है, उसका सेक्रीफाइस होना एकदम कंपलसरी है, समझ लीजिए, क्योंकि वो होता ही है। तो जो वेजिटेरियन है या तो एनिमल एक्टिविस्ट है, वो लोग के लिए शायद ये सब बहुत ही अनप्लीजिंग होगा, क्योंकि वो इट्स नॉट ए गुड साइट जब मिथुन का सेक्रीफाइस होता है। फिर भी बरसों से हमारा ये ट्रेडिशन चलते आ रहा है सेक्रीफाइस का, तो इसीलिए हम उसके साथ ही चलते हैं। वी आर कीपिंग आवर ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स अलाइव। ये तो आपको सिर्फ दो दिख रहा है, और हमको सुनने में आया है कि 77 मिथुन का सेक्रीफाइस होगा इतना बड़ा कम्युनिटी के लिए। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन सुनना चाहें तो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ट्रेडिशन है कि जितना मिथुन सेक्रीफाइस करेगा उतना आपका रुतबा और सोसाइटी में नाम होता है कि उसने इतना मिथुन सेक्रीफाइस किया। सो ये दिखावा वाला चीज जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वी सैल्यूट योर लीडरशिप। मैं निवास करने वाले गालो जनजाति की ओर से, दिस इज अ परफेक्ट मोमेंट। गोल्डन जुबली वॉबिन फेस्टिवल दापोरिजो की विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक श्री लाइसा सिमाई जी। जंगल में कत्ता कत्ता ऊपर घूमते है, तो पोर्क्यूपाइन बोलते हैं। और ये जो क्या है, हॉर्न भी लेके आए? ये तो क्या बोलते हैं हम लोग का, ईगल ईगल है ना, ईगल का लीवर। अभी सीएम आने वाला है, इसीलिए अभी पोपुल ग्रुप और ये जो पुजारी है ये सब रेडी हो रहे हैं। Oh,
पे पा रहे, मैथोलॉजी में पा रहे, एनिमल है मैथोलॉजी है। वो हम लोग का ठीक होस्ट होता है क्योंकि इन दोनों का भरोसा में अभी वहाँ पे मिथुन सेक्रीफाइस करने वाला है जो आपको हम नहीं दिखाएगा क्योंकि हम खुद नहीं देख पाएगा। सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। अभी हम घर वापस जा रहे हैं, लंच टाइम हो गया है। वैसे लंच तो यहाँ भी मिल रहा है, एक सेकंड। तो ये लोग सब जो है अपना अपना पोपुर ट्रुप होता है, मतलब इनका डांस का एक ग्रुप होता है, यूजुअली कॉलोनी कॉलोनी होता है। वो लोग जो है ग्राउंड तक ऐसा डांस कर करके ही आते हैं और गाना गा के आते हैं। पोपुर पोनुंग कहते हैं, वो सब मन कर करके आते हैं। तो मैं क्या कह रही थी कि हम यहाँ पे लंच भी यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमने सोचा कि घर जाके खा लें क्योंकि यहाँ पे लाइन लंबा है और लोग बहुत ज्यादा है, तो लाइन लंबा ये सब करना मुनासिब नहीं होगा, मुनासिब तो वो सही नहीं रहेगा क्योंकि बच्चा भी वेट कर रहा होगा, इसीलिए हम घर जाके ही खाएंगे। मेरा देखिए पैर देखो ना, शू का हालत तो देखिए मेरा। ये है उतु, ये है गालो उतु ना, और इन लोगों को बांधने का स्टाइल भी है थोड़ा अलग है। सब ट्राइब का बांधने का स्टाइल अलग होता है, आधी लोग अलग से बांधते हैं, ये लोग अलग से बांधते हैं। पकने के बाद ऐसा हो जाता है, सुखाया हुआ मिथुन मीट, डॉक्टर चिली पाउडर, कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी है। हम खा खा के बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पे अंडे जला रहे हैं, यहाँ पे मेहमान आए हैं वो लोग खा रहे हैं, और यहाँ पे पुतु बन रहा है। तो मोपिन के टाइम में अगर मेहमान आते हैं घर पे तो हम अपोंग दैट इज राइस बेर के साथ में हम क्या क्या खिलाते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है मिथुन मीट जलाया हुआ, और ये है उत, ये राइस पाउडर है, इसको भी हम लोग जलाया है, पहले बॉईल किया उसके बाद इसको जलाया। एंड दिस इज इंटेस्टाइन, मिथुन का इंटेस्टाइन है ये, और यहाँ पे लुक्तर, ये उडू, इसे उदू बोलते हैं या तो अदुम बोलते हैं, इसको बैम्बू का ट्यूब से बनता है, ये बेसिकली बैम्बू ही है। इसमें इस तरह का जो पत्ता है वो डाल देते हैं क्योंकि जब आप अपोंग पीते हैं ना तो वो डायरेक्ट मुंह में नहीं आने के लिए, तो रुक रुक के आने के लिए वो ये रखता है, तो इस तरह से पीते हैं ग्लग 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 ग्लग। तो अभी फिलहाल तो ये खाली है, जस्ट मैं डेमो के लिए लाई थी। हमारे घर पे नींबू आया है, नींबू मतलब है प्रीस्ट, स्मोकिंग का जो चीफ प्रीस्ट है वो आया है। लेट मी शो यू, मोपिन नंदुरे रे, अगर होगे मर तोगे
फेस्टिवल मच गई। यहाँ पे इनवाइट किया है प्रीस्ट और उसके ट्रूप को, तो 150 जैसा इन आदमी आया है। वी आर सो बिजी राइट नाउ। देखिए शूज कितना सारा है यहाँ से, ऐसा लगता है कि हम लोग किसी मंदिर में आए हैं। शू ही शू, और हमको जल्दी से पानी पहुँचाना है। इस पानी को, पानी नहीं जुड़ रहा है। अभी फिश को स्टीम करेंगे, उसके बाद उसे कुकर में बनाएंगे, तो टेस्टी होता है बहुत। अब देखते हैं फिश कैसे बनाए हैं। इसको यहाँ से खोलते हैं। As expected, बहुत टेस्टी है। घर में बहुत सारा मेहमान है, फिर भी मुझे बहुत भूख लगा है, इसीलिए मैं करने वाली हूँ लंच, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या खाने वाली हूँ। तो ये है सिंपल सा दाल चावल, और यहाँ पे है मटर, मिठुन मीट और आलू, और ये है ग्रीन सब्जी और एक सब्जी, और ये है चिकन का लिवर, लंग्स, इंटेस्टाइन सब मिक्स करके फ्राई किया हुआ। तो ये होगा मेरा लंच आज के लिए। मोफिन फेस्टिवल तो ख़त्म होने को आया है, लेकिन ये जो फेस्टिविटीज़ है ये तो पूरा मंथ ही चलने वाला है। दूसरे के घर इनवाइट करेंगे, आप दूसरों को इनवाइट करेंगे, ये सब चलता ही रहेगा। तो इसीलिए फेस्टिविटीज़ को हम पूरा ख़त्म हो गया अभी। अरे इधर में अभी तक इतना फंसा हुआ है। तो मैं क्या कह रही थी, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि मोफिन इस डेट को ही पर्टिकुलर डेट में ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये अप्रैल महीना पूरा चलने वाला है। सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन एक चीज का मुझे कंप्लेन है, वो है द नंबर ऑफ मिथुन्स जो सेक्रीफाइस किया गया था इस मोफिन फेस्टिवल में। तो मैं तो सिर्फ दापोरिजो के बारे बता रही हूँ, अभी हमारे कितने सारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कितने सारे मिथुन सेक्रीफाइस किए होंगे। यहाँ पे भी सुना गया है कि 77 मिथुन्स सेक्रीफाइस किए गए हैं, सो बहुत ही स्टेगरिंग अमाउंट है ये। इस रेत में हमारा जो मिथुन है वो तो एंडेंजर्ड स्पेसीज के अंदर आ, इसीलिए मैं इस ट्रेंड से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हमारे जो सीएम सर है उन्होंने भी इस चीज पे चिंता जताया, विच इज ए गुड थिंग। इसका मतलब है कि ये जो प्रैक्टिस है ये सबके नजर में आ रहा है, और इसके लिए कुछ ना कुछ कदम तो जरूर उठाया जाएगा। मोफिन फेस्टिवल बेसिकली गुड हार्वेस्ट, गुड हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए मनाया जाता था, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, मोफिन फेस्टिवल आज के फास्ट पेस जमाने में आपको थोड़ा सा ठहराव देने के लिए मनाया जाता है। बहुत समय से जिन्हें आपने नहीं देखा है उनके साथ मिलके थोड़ा बातें करें, नाचे गाए और अच्छा टाइम स्पेंड करें, और जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खूब खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और चिल करें।
इस उम्मीद के साथ कि आपके आने वाले कल में सब कुछ सही होगा अन्न मोपिन की दुआ से। अगर आपको जिजिंग दीदी का ब्लॉग इत्थू सा भी पसंद आया हो देन प्लीज गिव इट थम्स अप। आपको मिलूंगी अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए हाय पला।